नमस्कार दोस्तों, गार्डन व्यू पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है हिबिस्कस का प्लांट के ऊपर, जिसको गुरेल के पेड़ भी हम बोलते हैं, बंगाली में जौबा फूल भी बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं वाइट हिबिस्कस, ये बहुत ही खूबसूरत है। ये मेरे छत पे खिला है और इसमें बहुत सारी कलियाँ और इसका जो पत्ते हैं बहुत सारी है। ये खूबसूरत है ये प्लांट। इस प्लांट को आप धूप में रखें तो ही अच्छा है, क्योंकि इस प्लांट को बहुत सारा धूप पसंद है और इसको जो पसंद है और है पानी। ये बहुत सारा पानी भी इसमें डालिए। आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी कलियाँ है। ये हर एक ब्रांच में सब ब्रांच में इसका कलियाँ है। ये बहुत अच्छे से ग्रो हुई है। इसका जो राज है वही मैं आपको बताऊंगी। आप अंत तक वीडियो देखते रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नया नया वीडियो देख अच्छे से वीडियो देखने के लिए। ये जो हिबिस्कस का प्लांट है वो आप थोड़ा बड़ा ही टॉब में डालिए। 12 से 14 इंच का टब है। इसमें आप अगर मिट्टी के पॉट में डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा से करिए। ये जो देख रही है ये है मस्टर्ड की सरसों की खली। इसको मैंने भिगो के रखा है। 15 दिन भिगो के रखने के बाद इसका जो पानी है वो मैं अपनी प्लांट में देती हूँ। ये रहा इसका पानी। ये प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, उसका हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और उससे बहुत सारी फूल और कलियाँ खिलते हैं। इससे आपका प्लांट बहुत सारे अच्छे से ग्रो होंगे और बहुत सारी फूल आपको देगी। मेरे छत पे बहुत सारी हिबिस्कस का प्लांट है। ये इससे एक है। ये जो हिबिस्कस का प्लांट आप देख रहे हैं ये हाइब्रिड हिबिस्कस का प्लांट है, वाइट कलर का। ये मेरा बहुत ही चाहने वाला प्लांट है। आज के लिए इतना ही।